वास्तव में जब 2006 में जा रहा था तो मैंने देखा कि गंगोत्री जी से लगभग 160 किलोमीटर नीचे धरासू है। तो धरासू में मनेरी भाली 2 का पावर हाउस है और वहाँ तक तो टिहरी का बैक वाटर था जो खड़ा हुआ था, तो उसको मैं भागीरथी या गंगा मान ही नहीं सकता था, खड़े हुए जल को, उसमें कोई प्रवाह ही नहीं था। और धरासू के बाद एकदम भागीरथी जी की बेड में मुश्किल से 1 मीटर क्यूब पर सेकंड जल रहा होगा। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मई के महीने में भागीरथी जी में इतना कम जल। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सड़क थोड़ा भागीरथी जी से अलग हो गई और उत्तरकाशी के पास मैंने देखा कि उत्तरकाशी में तो खूब जल है और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कि उत्तरकाशी में तो है, प्रवाह भी है, और उत्तरकाशी से नीचे फिर धरासू तक कुछ नहीं है। फिर उत्तरकाशी से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ा तो वही स्थिति कि भागीरथी जी में कोई प्रवाह नहीं, मुश्किल से 1 घन मीटर प्रति सेकंड से अधिक। और फिर जाकर मनेरी में वही स्थिति की झील है और वहाँ तो खूब जल है। तो तब ये समझ में आया कि ये जो जिनको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, ये रन ऑफ द रिवर में रन कहाँ है, वो तो सब टनल में, रन इन द टनल। उसको देखकर मुझे लगा कि ये तो भागीरथी जी नहीं मैं मान सकता। जो गंगा जी में विशेषता है उसके 4-5 उदाहरण जो अब तक विज्ञान से सिद्ध हो चुके हैं। मुझे ये लगता है कि शायद सबसे पहला प्रयास तो मेरी गाइडेंस में IIT कानपुर में हुआ और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि क्या गंगा जल में कॉलिफॉर्म्स को नष्ट करने की या जो सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, उनको नष्ट करने की कोई विशेष क्षमता है। तो हमने बिठूर का जल लिया और एक तीर्थ माना जाता है तो वहाँ से लिया, और फिर जहाँ से वाटर वर्क्स का इनटेक है, पंपिंग स्टेशन इनका, भैरोघाट पंपिंग स्टेशन, वहाँ से लिया, और फिर फिल्टर्ड वाटर वर्क्स का फिल्टर्ड वाटर लिया, और एक सैंपल IIT के जो ग्राउंड वाटर था उनका लिया। और इन चारों में बराबर मात्रा में बाहर से कॉलिफॉर्म्स डालते ही तुरंत उसकी एनालिसिस कर ली। तो जो बिठूर से लिया हुआ गंगा जल था उसमें जितने भी हमने और ये कॉलिफॉर्म्स तो हमने मिलियंस में डाले थे क्योंकि ये उसमें उपस्थित होने वाली बात तो थी नहीं, ये तो हमको बाहर से डालना था, तो हमने खूब सारे डाले थे। और हमने ये पाया कि जो हमने डाले वो बिठूर के जल में उसका 1% केवल बचा 24 घंटे में ही। तो जब तक उसमें कॉलिफॉर्म्स को मारने की क्षमता नहीं है तो फिर ये कैसे नष्ट हो गए। ये क्षमता भैरो घाट तक जाते जाते जहाँ वो पंपिंग स्टेशन था वहाँ ये केवल आधी रह गई। एक ये दूसरी रिपोर्ट आई है और इन्होंने ये पाया, बीच की रीच है बिजनौर और ये शुक्रताल और नहीं ये वो गढ़मुक्तेश्वर, और उससे नीचे जाकर कानपुर तक भी, बनारस तक भी ये क्षमता मिलती है कि ये बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया में कॉलिफॉर्म्स की बात नहीं, पैथोजेंस को, जो बीमारी पैदा करने वाले रोग जीवाणु हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता गंगा जल में है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि बजाय हम गंगा जी के ऊपर रिसर्च करें या जो हमको हमारे पास परिणाम आते हैं उन परिणामों को कम से कम स्वीकार करें और उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाएं, हम क्या कर रहे हैं कि तो उसको एक सामान्य नदी मान लें और पानी ऊपर से आ रहा है उससे ऊर्जा है, ऊर्जा निकाल लें, पानी है तो उससे सिंचाई कर लें, पानी है तो शहर में सप्लाई करके फ्लश करके वापस उसी में डाल दें। उस समय फिर वो उपवास इस आधार पर खुला कि लोगों ने आश्वासन दिया कि अगर जनता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी भी गंगा जी में श्रद्धा है। और शुरू में जब उन्होंने बनारस में कहा कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है और अब हमें गंगा माँ के लिए करना है, और फिर गंगा जी के लिए अलग मंत्रालय बनाया, रिजुविनेशन शब्द का उपयोग किया। तो रिजुविनेशन नवीनीकरण नहीं होता, रिजुविनेशन तो पुरानी स्थिति को पुनर्स्थापित करना होता है, लेकिन कोई ऐसा काम तो उसके बाद से हुआ नहीं कि जिसमें रिजुविनेशन की बात हो। मुझे तो लगता है कि अब ये नई गंगा बनाने पर तुले हैं जैसे नया भारत तो कहते ही हैं। तो भारत, मुझे तो लगता है मैं नए भारत में भी नहीं रहना चाहूँगा, पर कम से कम गंगा जी को तो नई गंगा बनते हुए मैं नहीं देख सकता। और मुझे लगा कभी उसको जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, तो मेरी माँ कोई जलमार्ग कहलाने की हकदार थोड़ी ही है। मैं तो गंगा जी को माँ मानता हूँ। सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और विशेष रूप से मोदी जी धोखा दे रहे हैं। मेरे प्राण तो क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने घोषणा कर दी है कि अब मैं पहले नवरात्र से, मतलब 10 अक्टूबर से, जल भी छोड़ दूंगा पूरी तरह से। और मेरा कोई ये विचार नहीं है कि मैं किसी प्रकार की ड्रिप या वो एक्सेप्ट करूं। और ऐसी स्थिति में संभवतः दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा। पर मैं ये तो नहीं मानता कि गंगा जी के लिए जो प्रयास हैं वो मेरे प्राणांत के साथ उनका अंत हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि गंगा जी युगों युगों तक ऐसी बची रहेंगी जैसी कि गंगा जी रही है।